वोल्वो मैनों के हड़ताल पर जाने से नगर की पेयजल वितरण व्यवस्था ठप हो गई है। नीमच नगर पालिका क्षेत्र की जल वितरण व्यवस्था वोल्वो मैनों के हड़ताल पर चले जाने से प्रभावित हो गई है। आज से सभी वोल्वो मैन हड़ताल पर हैं। वोल्वो मैनों का कहना है कि हमें 4 महीने से वेतन नहीं मिला, त्योहार का सीजन है और ऐसे में घर परिवार चलाना मुश्किल है। वोल्वो मैनों ने बताया कि परेशानी को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा और सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ से भी शिकायत की थी। वहीं अष्टमी, नवमी और दशहरा को देखते हुए जल वितरण व्यवस्था चरमरा जाने से जनता पेयजल को लेकर प्रभावित हो रही है। कंपनी का कहना है कि नगर पालिका से बिलों के भुगतान में विलंब के कारण वेतन में देरी हो रही है। हम 2 महीने की तनख्वाह देने को तैयार है, दशहरे के बाद शेष तनख्वाह भुगतान कर दी जाएगी, लेकिन वोल्वो मैन तैयार और आर्थिक परेशानी के चलते पूरी तनख्वाह की मांग कर रहे हैं। सभी वोल्वो मैन हड़ताल पर है। शहर के लिए विडंबनाजनक स्थिति यह है कि जल देवता राजी हुए तो वाटर सप्लाई करने वाली रियान कंपनी की वजह से वोल्वो मैन टूट गए। अभी हाल ही में शहर जल संकट से जूझ रहा था, यदि वोल्वो मैन नहीं माने तो शहर में बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। सुबह परेशानी को देखते हुए जनप्रतिनिधि ओम दीवान और साबिर मसूदी भी वोल्वो मैनों से चर्चा करने ज्ञान मंदिर स्थित पानी की टंकी पर पहुंचे। किस प्रकार की समस्या हो रही, सभी कर्मचारी यहाँ पर वोल्वो मैन एकत्रित हैं और इन्होंने सप्लाई भी रोक दी। क्या समस्या? ये इनकी 4 महीने की सैलरी बाकी थी, नगर पालिका से पेमेंट हो नहीं रहा था। नगर पालिका से पेमेंट होने के बाद इनको सैलरी देने की बात थी। अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे द्वारा इनको 2 महीने की सैलरी आज की तारीख में रिलीज की जा रही है और 2 महीने की जो है दशहरे के बाद रिलीज करने की बात हो रही है, क्योंकि कोलकाता में त्योहारों के सीजन में अभी छुट्टियाँ चल रही है, सप्तमी, अठवीं, नौवीं, ये सारी चीज़ें बंद रहती है। कल तक जो रात तक की इनकी बात हुई थी कंपनी से, उनसे ये था कि 2 महीने की अभी रिलीज कर दी जा रही है, बाकी की सैलरी दशहरे के बाद की जाएगी। पर इनका है कि हमें 4 महीने की सैलरी इकट्ठी चाहिए। हमारा इनको समझाने का तरीका ये है कि हम ये कोशिश करें कितने टाइम तक ये रुके हैं, दशहरा 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जैसे ही ऑफिस खुलेगी उसके बाद आपकी 2 महीने की सैलरी दे दी जाएगी। त्यौहार है, छोटे कर्मचारी है, आखिर त्यौहार में दिक्कत तो आएगी ना इनको। ये कर्मचारी अपना घर चला रहे, इतने टाइम से इन्होंने एडजस्ट किया, कंपनी के साथ भी खड़े रहे, जब हमारे पास पेमेंट नहीं आ रहा था तब भी इन्होंने सप्लाई नहीं रोकी, हमारे एडजस्टमेंट करते रहे, उसके लिए हम शुक्रगुजार। आज 2 महीने की तनख्वाह आप रिलीज कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं हम इनको 2 महीने की तनख्वाह, और 2 महीने की जो है दशहरे के बाद तुरंत इनका रिलीज कर दिया। आपका नाम और कंपनी का नाम? कुमार गुप्ता, कंपनी रियान वाटर टेक प्राइवेट लिमिटेड। सैलरी को लेकर समस्या रही, क्या अभी आप जानकारी मिली और क्या बात हुई? मैंने सुबह हमारे मेरे पास में वोल्वो मैन का फोन आया, मैंने यार आज जल वितरण क्यों प्रभावित है, तो इन्होंने बोला हमारे पिछले 4-5 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो हम सारे सिडनी में शहर के वोल्वो मैन हड़ताल से। तो भाई हड़ताल की बात आई तो मैंने, आप तो मीडिया के लोग हैं आपको सूचना दी, तो मैंने इनकी समस्याओं से जाना, तो सारे मिडिल क्लास के लोग हैं, 8,000 रुपये इन्हें सैलरी मिलती है और कंपनी की हिटलर साई ऐसी कि इनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। बीच में बार बार इनको बोला जाता था कि नगर पालिका भुगतान नहीं कर रही, जब नगर पालिका ने भुगतान कर दिया तो कंपनी को इनकी 4 महीने की सैलरी रिलीज करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सैलरी नहीं मिल पाने के कारण शहर की जल वितरण व्यवस्था प्रभावित हो रही, तमाम जनता प्रभावित हो रही, इसको लेकर जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या कहेंगे? त्यौहारी सीजन दशहरा जो 2 दिन बाद आ रहा है, आज पानी जो कि नगर पालिका की महत्वपूर्ण आवश्यकता, आम लोगों की महत्वपूर्ण आवश्यकता, साफ सफाई का दौर चल रहा है, त्यौहारी सीजन है। अब ऐसे में अगर ये जो कंपनी है ऐसे हिटलर शाही रवैये अपनाएगी, क्योंकि हमने नगर पालिका के जो इंचार्ज है अम्बालाल जी मेघवाल, उनसे भी सारी वस्तु स्थिति जानी, उसके बाद तो ये पूरा दोष कंपनी का है। जो निजीकरण की व्यवस्था, निजीकरण का वास्तविक परिणाम है कि ये शोषण कर रही है छोटे कर्मचारियों का, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, बाकी कंपनी की हम हिटलर शाही को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कलेक्टर महोदय को तक अवगत कराएंगे कि कंपनी का इस तरीके का हिटलर शाही रवैया यहाँ नीमच शहर में नहीं चलने देंगे, ताकि आम जन पानी के लिए। कंपनी के प्रतिनिधि का कहना है कि नगर पालिका ने उनको बिल पेमेंट नहीं किए, क्या इस तर्क को आप उचित मानते हैं? इस तर्क को वहाँ तक उचित मानते हैं कि भाई नगर पालिका ने लेट लगी थी, कंपनी, हम विपक्ष के पार्षद हैं, कंपनी के पास में कोई समस्या आ रही है तो हमको अवगत कराना चाहिए। भाई इन कर्मचारियों की तनख्वाह रोकने का हमारे को कोई अधिकार नहीं है। ओम दीवान।
क्या कहेंगे ये जल जो वॉलमैन हड़ताल पे इसको लेके? वॉलमैन हड़ताल पे होने की हमारे को सूचना नहीं थी, हमारे वार्ड वासियों के फोन आए टाइम पे, नल नहीं आए, जो पूरे शहर के जो वार्ड एरिया है हमारा उस जगह से फोन आए। फोन आने के बाद हमने वॉलमैनों से संपर्क करा, क्योंकि इनका एक ग्रुप होता है, इस ग्रुप में मैसेज आ जाता है कि इतने बजे नल आएंगे, वो ग्रुप भी सुना पड़ा हुआ। और देखते देखते हमारे को ये पता चला कि आज सारे वॉलमैन हड़ताल पे हैं, ज्ञान मंदिर टंकी पे सारे वॉलमैन हमारे को मिले। और वहाँ से हमने जानकारी में ये पाया गया कि जो ठेकेदार है इनकी कंपनी का, उसको पेमेंट हो चुका है, वो पेमेंट लेकर इनसे एक महीने की बात बोलता है कि एक महीने की तनख्वाह रख लो, पांच महीने की बात। जनता पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? जनता पे ये प्रभाव है कि ये वॉलमैनों का अगर इसी ये कंपनी का इसी तरह रवैया रहा तो हम हमारे नगर पालिका की पुनः वापस व्यवस्था को जारी करवा देंगे कलेक्टर साहब से कह के, और नहीं तो ये ठेकेदारों ने जो अपने इनका घोटाला करा है, 33 करोड़ की जो योजना थी उस पानी में भी घोटाला, इनके भी होल पोल खुल नहीं रही है। ये वॉलमैनों को अगर सही टाइम पे पैसे दे देंगे तो ठीक है, क्योंकि आटे में नमक का सहारा है। इसलिए हम वॉलमैनों के हितैषी इसलिए है कि ये टाइम पे पानी देते हैं।